सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत? 9 तारीख के बाद माय एल्डर सिस्टर मिथुदी वाज देयर एंड शी हर्ड इट। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोर्ट का बड़ा डिसीजन निकल के आया था हाल ही में रिया चक्रवर्ती को लेकर, पर अब कहा जा रहा है कि एक और शख्स को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला क्या कभी सॉल्व होगा, क्योंकि एनसीबी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा काम किया है और इस बार कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले में एक और एक्यूज्ड को छोड़ दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ पिठानी और अंकिता को लेकर भी क्यों चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 3-3.5 साल पहले हुआ था, तब इस पूरे मामले में सीबीआई की जब एंट्री हुई तो लग रहा था ये जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा, इस पूरे मामले का जो भी राज है वो खुल जाएगा और जो भी गुनहगार है वो सामने आ जाएगा, जिसने गलत किया है वो कहा जा रहा है कि जेल के अंदर जाएगा। पर देखा गया इस मामले में जब एनसीबी की एंट्री हुई तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ ढकेला गया, क्योंकि ड्रग्स मामले में जब जाँच करने समीर वानखेड़े जी पहुंचे तो इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया समीर वानखेड़े जी के द्वारा। उसी समय समीर वानखेड़े जब एनसीबी के जनरल डायरेक्टर थे, तब कहा जाता है कि ड्रग्स मामले की जांच हो रही थी और सुशांत के एक नेबर थे साहिल शाह नाम के, उनको गिरफ्तार किया था एनसीबी ने। और आपको बता दिया जाए, जो साहिल शाह थे वो बताया जाता है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे और कई ड्रग पेडलर को भी ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, ऐसा दावा किया जाता है। और कहा जाता है कि ई टाइम्स की खबर के अनुसार ये खबर छापी गई है और इसी के बीच लिखा ये गया है कि साहिल शाह को 25 फरवरी की एक खबर है, मतलब 2 दिन पहले की खबर है, 25 फरवरी को साहिल शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं सुशांत मामले में अरेस्ट हुए थे जब एनसीबी जांच कर रही थी, तब साहिल शाह को गिरफ्तार किया गया था और कहा जाता है कि फिलहाल ये जो साहिल शाह है अब ये सराखों के बाहर है और इनको छोड़ दिया गया है। और इनके ऊपर ये आरोप थे कि रिया को ड्रग सप्लाई करते थे, ड्रग पेडलर्स को ड्रग सप्लाई किया करते थे। सोचिए, ड्रग्स कोई बंदा सप्लाई कर रहा है, वो कहाँ से ला रहा है ड्रग्स, किससे ले रहा है, किसको बेच रहा है, जब वो इतना बड़ा काम करता था क्या उसको छोड़ा जाना चाहिए? पर ये खबर निकल के आ रही है, ई टाइम्स के माध्यम से खबर निकल के आ रही है कि भैया एक और शख्स को, साहिल शाह को, जिसका नाम सुशांत मामले में आया था, उसको छोड़ दिया गया है। और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत के नेबर बताए जाते हैं ये, शायद ये पुराने घर में जहाँ सुशांत रहते थे वहाँ के नेबर होंगे, क्योंकि सुशांत जहाँ रहते हैं फिलहाल वहाँ का किराया तो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास महीने का था, वहाँ तो शायद ये नहीं रहते होंगे, शायद पुराने घर जहाँ सुशांत रहते थे, जहाँ पर सुशांत के साथ पुराने स्टाफ मेंबर थे, वहाँ रहते होंगे साहिल शाह। पर फिलहाल साहिल शाह इस समय बाहर आ चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत मामले में और कौन कौन से लोग थे जिनको पकड़ा गया था, क्या उनको भी छोड़ दिया जाएगा, क्या वो भी बचकर बाहर आ जाएंगे, क्या उनको भी बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर अगर हम बात करें तो साहिल शाह को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि ये खबर बहुत सारे लोगों को चौंका रही है, क्योंकि लोग ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं, भैया एक मामला, इतना बड़ा मामला जिसको लेकर जांच हुई, चारों तरफ जिस मामले को लेकर फैंस खड़े हो गए, जो फैंस आज के वक्त पर SSR वॉरियर, SSR के नाम से जाने जाते हैं, कहा जाता है कि लगातार वो न्याय की गुहार लगाते रहे, लगातार वो सवाल उठाते रहे, सरकार से जवाब मांगते रहे, PMO तक वो लेटर भेजते रहे, उसके बावजूद देखा जाता है कि इस पूरे मामले में एक्चुअली में हो क्या रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि एनसीबी ने एक और शख्स को डिस्चार्ज कर दिया है। अब देखने वाला विषय है क्या इस पूरे मामले में अगर कोई और भी शख्स फंसा होगा क्या वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रिया को लेकर जब से ये फैसला निकल के आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, तब से ही कहा जा रहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर अच्छी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने लुक से लोगों का दिल जीतने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ कोर्ट ने भी बड़ा डिसीजन दे दिया है कि LOC रिया और उनके परिवार से हट गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत मामले का कहा जा रहा है कि जो बातें होती है, इस मामले की न्याय की उम्मीद लगा के जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ निराशा ही लग रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में एक्चुअली में क्या निकल के आने वाला है ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के घर पर राह करते थे, उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप उठे थे, उनको भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उनको भी लेकर सवाल निकले थे कि भैया एनसीबी ने उनको कई वक्त तक जेल में रखा था, बाद में उनकी शादी हो गई, बाद में कहा जाता है कि शायद वो अब छूट गए हैं, कहाँ हैं ये नहीं पता। पर उनके ऊपर सवाल ये उठे क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार इंटरव्यू दिया सुशांत को लेकर, और हर बार उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बोली कि सुशांत की जो हाइट थी वो 5'7" 5'8" थी, ये बात खुद उन्होंने टाइम्स नाउ में
जब नाविका जी और साथ में एक बड़े लॉयर थे वो बैठे हुए थे, और कहा जा रहा है कि लॉयर इशकरण भंडारी जी ने सवाल उनसे पूछा था कि सुशांत की हाइट कितनी है, जब इन्होंने बोला था 5'7" या 5'8" तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया था इनकी बात को और बोला था भैया सुशांत 183 सेंटीमीटर के थे ना कि 5'7" या 5'8 के। तो कहीं ना कहीं एक इंसान 183 सेंटीमीटर का है उसको तुरंत इन्होंने बोल दिया लगभग 172 से लेकर 175 सेंटीमीटर के बीच में, सीधा सीधा 8 से 10 सेंटीमीटर कम कर दी उसकी हाइट। अब कहीं ना कहीं सोचिए क्यों आखिर पिठानी ने ऐसा बोला होगा। और पिठानी को लेकर सुशांत की फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने भी ये बात बोली थी, जब तक परिवार ने पटना में FIR नहीं दर्ज करवाई थी तब तक पिठानी परिवार का साथ दे रहा था, जब FIR दर्ज हो गई जब उसमें पिठानी का नाम नहीं था तो पिठानी पलटी मार गया और उसने रिया का साथ दे दिया। तो कहीं ना कहीं पिठानी को लेकर इस पूरे मामले में हमेशा से कई डाउट क्रिएट होते रहे, यहाँ तक कि परिवार ने भी पिठानी को लेकर कई सारे सवाल उठाए थे और पिठानी के कई सारे इंटरव्यू जो आज भी वायरल होते हैं और आज भी वो इंटरव्यू को लेकर जिक्र किया जाता है जब उन्होंने अर्णब गोस्वामी के साथ उस इंटरव्यू में कई जवाब देते देते वो भाग गए थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि अर्णब गोस्वामी उनकी बातों को पकड़ रहे हैं और गुस्से में या फिर जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ बोल देते, इसलिए उन्होंने उसी वक्त माइक को हटाया और लाइव शो छोड़कर भाग गए। अब जब कोई इंसान भागता है लाइव शो छोड़कर तो लोग समझ जाते हैं कि भैया ये किसी चीज़ से भाग रहा है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अर्णब गोस्वामी के शो में जितने लोग आए जिन्होंने कहा जा रहा है कि अर्णब गोस्वामी के सवालों के जवाब दिए, वो कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी की बातों में फंसे जरूर थे, पर फिलहाल इस पूरे मामले में अब कोई भी बात नहीं करता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि बिग बॉस शो खत्म होने के बाद अंकिता लोखंडे ने फिर से बात करी, जब उनसे पूछा गया कि लोगों ने आपसे कई सवाल पूछे जब आप बिग बॉस के अंदर थे कि सुशांत का नाम अब आप क्यों ले रही हो इतना, तब उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो काम किए थे, जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो इम्पैक्ट उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिए उसके बारे में तो मैं जिक्र करूंगी। उन्होंने अपने फादर को लेकर भी बात करी कि मेरे फादर ने अच्छे काम किए थे, उन्होंने कई ऐसे इम्पैक्ट पीछे छोड़ के गए हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करती रहूंगी। ऐसे ही उन्होंने कहा मैं सुशांत की अच्छे कामों को लेकर हमेशा बात करती रहूंगी, किसी को कुछ भी लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, मैं किसी के कहने से नहीं चलती हूँ। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे ने इस प्रकार कुछ बातें करी है, पर बिग बॉस शो में उन्होंने लगातार सुशांत को लेकर जब बातें करी थी और जब वो शो में टॉप 3 में भी नहीं आ पाई थी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत गुस्सा आया था और लोगों ने उनको लेकर कई बार ट्रोलिंग भी करी और ये भी बोला कि भैया आपने सुशांत का नाम लिया उसके बावजूद आप टॉप 3 में भी नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत बार अंकिता को ट्रोल भी करा, पर फिलहाल अंकिता लोखंडे हाल ही के इंटरव्यू में इस बात का जवाब देती हुई दिखाई दी कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि भैया जिसने अच्छा काम करा है उसके बारे में मैं बात करती रहूंगी, उसके लिए मैं हमेशा सामने से बात करूंगी, किसी से डरूंगी नहीं। और कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सी फिल्म या कौन से सीरियल में काम करेंगी, क्योंकि दावा हो रहा था कि उनको नागिन 7 एकता कपूर का शो मिल गया है, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उनको फिल्म मिलने वाली है। अब ये तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल यूट्यूब का सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा और इंस्टाग्राम का नया चैनल सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, उसके साथ भी जुड़िए। मिलेंगे हम बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।